आपका काम हो गया है मालिक, अब मुझे कोई नया काम बताओ। अरे ये क्या मुसीबत है यार। काम है या फिर मैं आपको पीटना शुरू करूं? अरे नहीं नहीं, मेरे पास काम है, बहुत काम है। सुनो, चतुर लोमड़ी और आलसी सियार। एक जंगल में लोमड़ी और उसका पति सियार रहा करते थे। लोमड़ी जहाँ चालाक, चतुर और तेज थी, सियार पूरा उसके विपरीत था। एजी, अरे उठिए ना, कितनी नींद भरोगे? वो उसको हिला रही थी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। अरे हमें खाना तलाश करने भी जाना है, आप उठते क्यों नहीं? अरे क्या कह रही हो ये? वो उठा और हाँफने लगा। मुझे आराम की सख्त जरूरत है, देखो कितना थका हुआ हूँ, सांस भी फूल रही है। लेकिन आप तो पिछले कई घंटों से सो रहे हैं, तो कैसी थकान? सो तो रहा था, लेकिन जो सपना मुझे आ रहा था उसमें मैं 2 घंटों से लगातार भाग रहा था। हैं? वो फिर से आंखें बंद करके आराम करने लगा और लोमड़ी अकेले ही शिकार को चली गई। शाम को जब वो वापस आई तब भी वो सो ही रहा था। अब उठोगे या अभी भी सोते रहने का इरादा है? सियार की नाक तक जैसे ही मांस की खुशबू पहुंची तो वो जाग उठा। लाओ लाओ, कहाँ है खाना, जल्दी दो। ये सुनकर लोमड़ी ने उसके सामने मांस का वो बड़ा सा टुकड़ा खिसका दिया जो वो शिकार करके लाई थी, और दोनों मजे से उसे खाने लगे। वाह, कितना स्वादिष्ट मांस है, वाह मजा आ गया। खाना खत्म करते ही लोमड़ी बोली, चलिए अब थोड़ा टहल लीजिए, सुबह से सो ही रहे हो। अरे तुमने देखा नहीं कितना सारा मांस खाया है, इसको खाने में कितनी मेहनत लगी है, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे आराम की सख्त जरूरत है। ये कहकर वो फिर से सो गया। हाय राम, कैसा पति मिला है मुझे, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, मेरे तो भाग्य फूट गए। अगली सुबह जब दोनों सो ही रहे थे तो एक बंदर बाबा उनके घर आया। विक्षाम देही देवी, विक्षाम देही। उसकी आवाज सुनकर दोनों नींद से जाग गए। अरे आप तो कोई सिद्ध बाबा लगते हैं, आइए बाबा आइए, आपका स्वागत है। लोमड़ी ने बंदर बाबा को घर में बुलाया और फिर उनको बिठाकर बोली, बाबा आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। ऐसा कहकर लोमड़ी वहाँ से चली गई। सियार बंदर बाबा के पास बैठा गप्पे लड़ाने लगा। कुछ देर बाद लोमड़ी अपने साथ केले, सेब और अनार लेकर आई। ये लीजिए बंदर बाबा, उम्मीद है आपको ये फल पसंद आएंगे। क्यों नहीं बच्चा, हम अवश्य खाएंगे। ऐसा कहकर बंदर बाबा फल खाने लगा। सियार उसको ललचाई नजरों से देख रहा था। जब उसने खाना खत्म कर दिया तो खड़ा होकर बोला, बहुत अच्छा खाना था बच्चा, मैं अपनी प्रार्थनाओं में हमेशा तुमको याद किया करूँगा, अब मैं चलता हूँ। अरे अरे ऐसे कैसे बाबा, आप तो सिद्ध बाबा लगते हो, हमें बिना कुछ दिए ही चले जाओगे, कोई अच्छा सा वरदान दो हमें। ठीक है, बताओ क्या वरदान चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मुझे जिंदगी भर कोई काम ना करना पड़े, बस आराम से घर बैठे खाता रहूं, कभी खाने की कमी ना पड़े। ठीक है बच्चा, मैं तुमको वरदान देता हूँ कि तुम्हारी ये ख्वाहिश जल्दी ही पूरी हो जाए, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर बंदर बाबा वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद उनके सामने एक धुआं सा उठा और एक भयानक भालू राक्षस उनके सामने प्रकट हुआ। बचाओ, यमराज लेने आ गए। मैं यमराज नहीं हूँ सियार, मैं बंदर बाबा से मिले वरदान की पूर्ति करने आया हूँ। आज से तुमको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारे बताए गए सारे काम मैं करूँगा। अरे वाह, अब तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन एक शर्त है, एक काम खत्म होते ही तुमको मुझे दूसरा काम भी फौरन बताना होगा। अगर तुम्हारे पास मेरे लिए कोई काम नहीं होगा तो मैं मार मार कर तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। एजी, इससे आगे मुसीबत हो सकती है। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई काम इसको बताता रहूंगा। ये कहकर सियार ने भालू राक्षस से कहा, जाओ
और मेरे लिए शेर का ताजा मांस लेकर आओ, एकदम ताजा मांस। यह सुनते ही वो गायब हो गया और कुछ ही देर में खूब सारा शेर का मांस लेकर आया। अरे वाह, खुशबू से ही पता चलता है ताजा मांस है। इसे खाने से पहले मुझे कोई और काम बताओ, वरना याद है ना क्या हाल होगा। अरे अरे बताता हूँ भाई, ऐसा करो, इस जंगल में मेरे तीन दुश्मन हैं, हाथी, हिरन और लकड़बग्घा। इन तीनों को जाकर इतना परेशान करो कि उनको अपनी नानी याद आ जाए। हाँ। ये सुनकर भालू राक्षस गायब हो गया। लोमड़ी और सियार दोनों मांस खाने में जुट गए। अभी उन्होंने आधा मांस खाया ही था कि राक्षस फिर से प्रकट हुआ। आपका काम हो गया है मालिक, अब मुझे कोई नया काम बताओ। अरे ये क्या मुसीबत है यार। काम है या फिर मैं आपको पीटना शुरू करूं? अरे नहीं नहीं, मेरे पास काम है, बहुत काम है, सुनो। अब सियार ने उसको फालतू काम बताना शुरू किया, उससे पूरे जंगल की सफाई करवाई, जो पेड़ रास्ते में तकलीफ दे रहे थे उनकी कटिंग करवाई, तालाब की गंदगी भी साफ करवाई और उसके बाद भी कई काम उससे करवा लिए। मैंने क्या मुसीबत पाल ली, मैंने उसको गुफा साफ करने के लिए भेजा है, उसको साफ करके वो आता ही होगा। अब मेरे दिमाग में कोई काम नहीं बचा, अब तो मेरी पिटाई होने से कोई नहीं रोक सकता। जब तक मैं उसे कोई काम नहीं बताऊंगा वो मुझे मारता ही रहेगा। ये सब आपके आलसीपन की वजह से हुआ है। बेचारे बंदर बाबा सिर्फ खाने की तलाश में हमारे घर आए थे और आपने उनसे जबरदस्ती ऐसा वरदान मांग लिया। अरे मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, अब वो मुझे पीटेगा और जब तक मैं मर नहीं जाऊंगा वो शांत नहीं बैठेगा। मुझसे वादा कीजिए कि आज के बाद आप कभी भी आलस नहीं करोगे, हमेशा अपनी मेहनत से शिकार करोगे और सिर्फ रात के टाइम ही सोया करोगे। मैं ये सारे वादे तुमसे करता हूँ लेकिन इनका अब क्या फायदा, वो तो आते ही मुझे पीटना शुरू कर देगा, जब जान ही नहीं रहेगी तो कैसा वादा। उसकी चिंता आप मत कीजिए, आज मैं उसको काम बताऊंगी। कुछ देर बाद ही भालू राक्षस वहाँ प्रकट हुआ। मैंने गुफा की सफाई कर दी है, अब आप बताइए कि मुझे अगला काम क्या करना है। इस बार मैं तुमको काम बताती हूँ, ध्यान से सुनना। हमारे जंगल में जो नदी होकर गुजरती है, तुम्हें उसके अंदर की सारी मछलियाँ गिन कर बतानी है। अरे बाप रे, मछलियों की गिनती? हाँ, जल्दी जाओ और काम शुरू करो, गिनती में जरा भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है जाता हूँ। ऐसा कहकर भालू राक्षस गायब हो गया। तुमको लगता है कि ये काम वो नहीं कर पाएगा? हो ही नहीं सकता। भालू राक्षस नदी में उतरा और मछलियों को गिनने का काम शुरू किया। मछलियाँ इधर से उधर भागती, कई मछलियाँ एक जैसी नजर आती। अरे ये काम तो बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या करें, करना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर उसने मछलियों को गिनने का नामुमकिन काम जारी रखा। इस तरफ सियार भी अब सुधर चुका था, उसने अब आलस करना छोड़ दिया और लोमड़ी के जैसे ही काम करने लगा। भालू राक्षस आज भी उस नदी में मछलियाँ गिनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। शायद तुमने ठीक से सुना नहीं, मुझे क्लेवर लोमड़ी कहते हैं। राक्षस कभी पेड़ पर बैठकर रोते नहीं, अगर तुम मुझे मार सकते तो अब तक मार देते, लेकिन तुम तो उदास बैठे हुए हो। तुम तो वाकई बहुत ही चालाक लोमड़ी हो। दुष्ट राक्षस बना सारस। एक जंगल में एक साधु तपस्या कर रहा था कि तभी वहाँ पर एक राक्षस हवा में उड़ता हुआ आया और उसने उस साधु की साधना को भंग कर दिया। ये क्या किया तूने राक्षस, मेरी वर्षों की तपस्या तूने भंग कर दी। मुझे ये करने में बड़ा मजा आता है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू आज के बाद अपने राक्षसी रूप में किसी को तंग नहीं कर पाएगा। राक्षसी रूप में तेरी जादुई शक्तियाँ काम नहीं करेगी। इतना कहकर वो साधु गायब हो गया। राक्षस उस साधु के श्राप का मजाक उड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। तभी उसे वहाँ पर एक चीता नजर आया। देखो कैसे आराम की नींद सो रहा है, अभी इसको उठाकर फेंकता हूँ।
राक्षस ने जैसे ही उस चीते को उठाया तो चीते ने राक्षस के ऊपर हमला बोल दिया। राक्षस की जादुई शक्तियाँ काम ही नहीं कर रही थीं। राक्षस अपनी जान बचाकर वहाँ से बड़ी मुश्किल से भागा। अरे ये क्या, उस साधु का श्राप तो वाकई मेरे ऊपर काम कर गया। अब मैं क्या करूँ, ऐसे तो कोई भी साधारण मनुष्य या जानवर मुझे मार देगा। राक्षस एक पेड़ पर उदास बैठा हुआ था। उसी जगह से एक चालाक लोमड़ी गुजर रही थी। राक्षस को उदास देखकर लोमड़ी ने राक्षस से पूछा, मुझे इस जंगल में सब चालाक लोमड़ी कहते हैं, इसलिए मेरा नाम क्लेवर लोमड़ी है। चली जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। शायद तुमने ठीक से सुना नहीं, मुझे क्लेवर लोमड़ी कहते हैं। राक्षस कभी पेड़ पर बैठकर रोते नहीं। अगर तुम मुझे मार सकते तो अब तक मार देते, लेकिन तुम तो उदास बैठे हुए हो। तुम तो वाकई बहुत ही चालाक लोमड़ी हो। तो फिर मुझे बताओ राक्षस, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम इस तरह उदास बैठे हुए हो? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करोगी, और वैसे भी मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे बताओ तो सही, शायद मेरी बुद्धि में कोई ऐसी बात आ जाए जिससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। राक्षस सारी घटना क्लेवर लोमड़ी को बताने लगा। राक्षस की बात सुनकर क्लेवर लोमड़ी गहरी सोच में डूब गई। अचानक उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? पहले वादा करो तुम मुझे रोज एक शिकार ला कर दोगे। तुम खुद भी तो शिकार कर सकती हो। नहीं, इस जंगल का राजा बहुत ही दयालु है। अगर उसे जरा सी भी इस बात की भनक लग गई कि मैं जंगल के जानवरों का शिकार कर रही हूँ, तो वो मुझे मार देगा। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। तो सुनो, उस साधु ने तुम्हें श्राप दिया कि तुम अपने राक्षसी रूप में अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये है कि तुम अगर किसी और के रूप में आ जाओ तो तुम्हारी जादुई शक्तियाँ काम करने लगेंगी। लोमड़ी की बात सुनकर राक्षस के होठों पर मुस्कान आ गई। तुमने तो बिल्कुल सही कहा, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। तो फिर मैं जंगल के राजा शेर का रूप ले लेता हूँ और उसे मारकर जंगल का राजा बन जाता हूँ। फिर तुम जिसकी मर्जी चाहो उस जानवर का शिकार करना, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा भूल कर भी मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम उस साधु की दोबारा नजर में आ जाओगे। फिर वो तुम्हें ऐसा श्राप दे देगा कि तुम्हारी शक्तियाँ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। तो फिर तुम ही बताओ मैं किस जानवर का रूप धारण करूँ। राक्षस की बात सुनकर लोमड़ी गहरी सोच में दोबारा डूबते हुए बोली, तुम एक ऐसे जानवर का रूप धारण कर लो जो देखने में बहुत सीधा साधा हो और जिससे सभी प्रेम करते हो। तुम सारस का रूप धारण कर लो, सारस से सभी जानवर प्रेम करते हैं, किसी को तुम्हारे ऊपर कोई शक भी नहीं होगा। लोमड़ी का सुझाव राक्षस को बेहद पसंद आया और उसने देखते ही देखते सारस का रूप धारण कर लिया। लोमड़ी उस राक्षस को सारस के रूप में सभी जंगली जानवरों से मिलाने लगी। सारस को देखकर सभी जानवर बहुत खुश थे। जंगल के शेर ने सारस की बहुत प्रशंसा की और वह क्लेवर लोमड़ी से बोला, तुम्हारा ये दोस्त मुझे बहुत पसंद आया क्लेवर लोमड़ी, लेकिन मैं जंगल का राजा हूँ, इसलिए मेरा सवाल पूछना स्वाभाविक है। तुम्हारी सारस से दोस्ती कहाँ पर हुई? ये इस जंगल का तो नहीं है। ये बेचारा अनाथ है और दूसरे जंगल में रो रहा था और वहाँ के सभी जानवर इसको तंग कर रहे थे। मैं इसे अपने साथ जंगल में ले आई, आज से ये हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। ये तुमने बहुत अच्छा किया। लोमड़ी उसी दिन से सारस के साथ जंगल में घूमने लगी। शाम के वक्त लोमड़ी उस राक्षसी सारस से बोली, सुबह से लेकर शाम हो गई, अब मुझे बहुत भूख लग गई है, जाओ जाकर मेरे लिए शिकार लेकर आओ। राक्षसी सारस को लोमड़ी का आदेश देना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन वो चुपचाप वहाँ से चला गया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बकरी का बच्चा नजर आया जिसका नाम गुल्लू था। गुल्लू सारस को देखकर बहुत खुश हो गया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गुल्लू है, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? तुम क्लेवर लोमड़ी के पेट में जाकर आराम से खेलना,
इतना कहकर राक्षसी सारस ने अपनी चोंच से गुल्लू को पटक दिया। उसकी आंखों से लाल लाल किरण निकलने लगी। गुल्लू तुरंत वहीं पर मर गया। राक्षसी सारस गुल्लू को उठाकर लोमड़ी के पास ले गया। वाकई इस गुल्लू को देखकर तो मेरे मुंह में हमेशा पानी आ जाता था। तुमने तो पहले ही दिन मेरा मनपसंद व्यंजन लाकर मुझे दे दिया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। लेकिन मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? अरे तुम अपने लिए भी शिकार करके ला सकते थे। वैसे तुम क्या खाते हो? मुझे इंसानों का मांस और खून पसंद है। अब इस जंगल में इंसान तो नहीं रहते, तुम्हें जानवर ही मिलेंगे। तुम एक काम करो, मोंटू हाथी का एक पुत्र है जो बेहद सीधा साधा है, बहुत ही तगड़ा भी है। जाओ जाकर उसका खून पी लो। राक्षसी सारस ने जाकर मोंटू हाथी के पुत्र को पकड़कर मार दिया और उसका खून पी गया। उस दिन के बाद जंगल में जानवर रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगे। जंगल के सभी जानवर डरे डरे से रहने लगे, मगर क्लेवर लोमड़ी सारस के साथ खुलेआम जंगल में घूमती रहती। कुछ महीनों बाद मोंटू हाथी जंगल के राजा के पास आकर बोला, जल्द से जल्द इन रहस्यमयी हो रही हत्याओं का पता लगाइए महाराज, ऐसे तो सारा जंगल खत्म हो जाएगा। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा मोंटू, मुझे तुम्हारे बेटे की मौत का बहुत अफसोस है। जंगल के सभी जानवर बहुत डरे डरे से रहते हैं महाराज। तभी मोंटू हाथी के दिमाग में एक विचार तेजी से कौंधा। लेकिन महाराज, क्लेवर लोमड़ी जंगल में बिंदास होकर घूमती रहती है। नहीं मोंटू, क्लेवर लोमड़ी बहुत ही बुद्धिमान है, मैंने उसे ही इस रहस्य का पता लगाने के लिए बोला है। मुझे लगता है महाराज कुछ गड़बड़ है। जब से ये सारस क्लेवर लोमड़ी के साथ इस जंगल में आया है, उस दिन के बाद से ही इस जंगल में रहस्यमयी तरीके से हत्याएं हो रही है और क्लेवर लोमड़ी भी दिन ब दिन मोटी ताजी होती चली जा रही है। तुम अभी जाओ मोंटू हाथी, मैं इस मामले को जल्द सुलझा दूंगा। उस दिन के बाद जंगल का राजा चुपके से क्लेवर लोमड़ी और सारस पर नजर रखने लगा। और एक दिन जंगल के राजा ने क्लेवर लोमड़ी और राक्षसी सारस के बीच की बातचीत सुन ली। इसका मतलब मोंटू हाथी सही बोल रहा था, ये सारस के रूप में एक राक्षस है, इसे अपनी बुद्धि से ही मारना होगा। अगर मैं डायरेक्ट इसके ऊपर हमला करूंगा तो ये मुझे हरा देगा। एक दिन राक्षसी सारस टहल रहा था कि तभी जंगल का राजा शेर वहां पर आकर बोला, मैं जानता हूं कि तुम एक राक्षस हो। अच्छा, तो तुम मेरा राज जान गए हो, फिर तो तुम्हारी मौत निश्चित है। अगर मुझे अपनी मौत का खौफ होता तो मैं तुम्हें कभी बताने नहीं आता। मैं तो केवल तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम एक राक्षस हो। तुम्हारे नाम से इंसान और जानवर सभी डरते हैं, मगर तुम एक मामूली लोमड़ी की गुलामी कर रहे हो। क्लेवर लोमड़ी तुम पर ऐसे हुक्म चलाती है जैसे तुम उसके गुलाम हो। तुम क्या चाहते हो? मैं जंगल छोड़कर जा रहा हूँ, तुम मेरा रूप धारण करके इस जंगल पर राज करना और क्लेवर लोमड़ी को खत्म कर देना, नहीं तो वो अपनी चालाकी से तुम्हें किसी दिन मरवा देगी। हाँ, इतना कहकर जंगल का राजा वहाँ से चला गया। राक्षसी सारस क्रोधित होकर क्लेवर लोमड़ी के पास जाकर बोला, तुम्हारा समय खत्म होने को आ गया क्लेवर लोमड़ी, तुमने मुझ पर बहुत हुक्म चला लिया। जंगल का राजा शेर इस जंगल को छोड़कर जा रहा है, अब मैं उसकी जगह यहाँ पर हुकूमत करूँगा, तो मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? क्लेवर लोमड़ी उससे कुछ कह पाती कि तभी राक्षसी सारस ने उसे मार दिया, मगर अगले ही पल एक तीर सारस की गर्दन में जाकर घुस गया। राक्षसी सारस की तुरंत वहीं पर मौत हो गई, और वो तीर किसी और ने नहीं बल्कि उसी साधु ने मारा था। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा, अच्छा हुआ तुमने मुझे समय रहते हुए बता दिया, नहीं तो ये राक्षस ना जाने कितने जानवरों का रूप परिवर्तित करके जानवरों को मार देता, उसके बाद फिर ये इंसानों को भी मारता। साधु वहाँ से चला गया। आपको ये साधु कहाँ मिले? जब तुम मेरे पास से गए थे तब मैं बहुत ही गहरी सोच में जंगल में जा रहा था, वहीं पर मुझे ये साधु मिले। मैंने इन्हें अपने जंगल की परेशानी बताई, क्लेवर लोमड़ी को मरवाने का आइडिया भी साधु महाराज का ही था। उस दिन के बाद जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे।